विकास खंड नादौन की कलूर पंचायत के ग्रामीणों ने एक परिवार पर गांव को जाने वाले रास्ते को क्षति पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। गांव वासियों ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा कि गांव के रास्ते पर प्रदीप कुमार ने घर की दीवारों का काम लगाया है। पंचायत के द्वारा बनाए गए पक्के रास्ते को प्रदीप ने उखाड़ दिया है, जिसके कारण दो गांव को जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि वे ये जानना चाहते हैं कि प्रदीप कुमार ने उगत मार्ग को किसकी इजाजत से तोड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये रास्ता काफी पुराना है तथा सभी गांववासी इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। उनका कहना है कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी भी घर तक नहीं पहुंच सकती। ग्रामीणों ने एसडीएम से कहा कि हमारी यही मांग है कि रास्ते को पहले की तरह खोल दिया जाए ताकि किसी भी ग्रामीण को समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रास्ते के निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। इस अवसर पर सुनीता देवी, राजकुमारी, रेखा देवी, उषा देवी, श्रेष्ठा देवी, कपिल, रजनी देवी, निशा देवी, रामप्यारी, सुमित्रा देवी, चंपा देवी, सुषमा देवी, कांता देवी, गायत्री देवी, अश्विनी कुमार आदि लोगों ने एसडीएम कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया। जो रास्ता है हमारी सारी मलकी जमीन में बना, तीन बार निशानदेही हुई है, पंचायत ने ली है, दो बार हमने ली है, लेकिन पंचायत ने जबरदस्ती, हम यहाँ थे नहीं मौके पर, पंचायत ने जबरदस्ती 1.5 साल पहले रास्ता बना दिया ये। अब हम अपने जमीन में रास्ता बनाए और रास्ता जो है राजा साहब का, उन्होंने सारा नजायज कब्जा कर रखा है, उधर नहीं बना रहे हैं। हमारी मलकीती जमीन में और दोनों साइड हमारी जमीन मलकीती रह रही है, बीच में रास्ता मांग रहे हैं। पंचायत ने खुद निशान दे करा कर रास्ता बनाया और एक अकेला आदमी दो दो हर रास्ते बंद करा दिए। वार्ड नंबर 3 में एक मुर्दा लेने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा। सरकारी रास्ते निशान दे कराते, कोई रास्ता बनने नहीं दे रहा, फिर एक ही पार्टी है नाम और ठीक है। हमने ऑफिस में एप्लीकेशन दायर की है कि मौका देकर हम गाँव वासियों को राहत दिलाया जाए। समस्या जो कि हमारे गांव का स्थायी निवासी प्रदीप कुमार, उसके द्वारा जो हमारे गांव का रास्ता तोड़ दिया गया, जो कि ऑलरेडी सरकारी रास्ता बना, आज का नहीं है वो सदियों पुराना रास्ता है, ठीक है, उसको जो उसने बिना किसी की परमिशन लिए तोड़ दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रास्ता जो तोड़ा गया किसकी परमिशन ली है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी पैसा लगा है, एक बार नहीं लगा है वहाँ पर पैसा, 3-4 बार लगा पैसा, ठीक है, जब से मतलब जितनी हमारी उम्र है ना उस टाइम से हम इसी रास्ते को देखते आ रहे हैं, और उस रास्ते को उसने तोड़ दिया किसी की परमिशन के बिना। तो हम ये चाहते हैं कि इस बंदे ने किसकी परमिशन ली, एक ये बताया जाओ इसको तोड़ने की हिम्मत कैसे पड़ेगी सरकारी रास्ते, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा खुद का पैसा लगा, गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि उस बंदे के ऊपर जो हर्जाना डाला जाए, ठीक है, कि उसने ये रास्ता तोड़ा कैसे, बस इतना सही कहना सर। एसडीएम दफ्तर आए हैं, प्रदीप कुमार ने हमारा रास्ता रोक दिया है, सरकारी रास्ता गलत था और हम उसी रास्ते को चाहते हैं कि उसी को उसने फाड़ा है, रिपेयर करवाए उसको दोबारा, तो सदियों से 40 साल हो गए उसी रास्ते को बने हुए और वो उसी रास्ते को तोड़ रहा है। एसडीएम विजय कुमार का कहना है कि वे मौके पर जाकर जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद ही इसकी पुष्टि करेंगे। विजय कुमार एसडीएम मौके पर गए और वहां पर उन्होंने मौका देखा और कहा कि जो भी निशानदेही होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। हाँ, मेरे पास आज काफ़ी लोग आए हैं, 50-60 के करीब मैक्सिमम इसमें आते हैं और इनकी समस्या रास्ते से संबंधित है और मैंने मुझे लिख के भी दिया है, रिटर्न में भी दिया है, तो थोड़ा सा हम भी अपने लेवल पे मैं त्वरित एक्शन करते हुए इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, देखते हैं कि फैक्ट क्या है, उसके बाद उचित समाधान निकाला जाएगा।